आज हम टॉपिक चालू करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन तो पहले हम समझेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है उसके बाद हम वेरियस बॉडी का वेरियस फिगर का रेडियस ऑफ जायरेशन वेरियस एक्सिस के अबाउट निकालना सीखेंगे तो रेडियस ऑफ जायरेशन की जो डेफिनेशन है इसमें यह कहता है रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइन एज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गि एक्सिस वुड बी द सेम एज विट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ये कहता है कि ये जो पूरा मास है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है अगर मैं क्या करूँ इस पूरे मास को एक कंसंट्रेटेड मास बना दूँ और इस कंसंट्रेटेड मास का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालू तो ये जो डिस्टेंस आएगा के इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन तो अगर रेडियस ऑफ जायरेशन आपको निकालना है तो देखिए इस पूरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस और ये जो कंसेंट्रेटेड मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दोनों क्या होगा सेम होगा तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंसंट्रेटेड मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी और कंसंट्रेटेड मास दोनों सेम है तो हम लिख सकते आई इज इक्वल टू एम के एम के स्क्वायर एम के स्कोर क्या है इस कंसेंट्रेटेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इनर्शियास तो इससे के निकल आ जाएगा के क्या होगा आपका के इज आवर रेडियस ऑफ जायरेसर अब हम डिफरेंट फिगर का रेडियस ऑफ जायरेसर निकालेंगे तो पहले देखिए हम एक रॉड दी है तो हमको क्या निकालना है रेडियस ऑफ ज़ायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट इट सेंट्रोडल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ तो हम जानते हैं कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शन सेंट्रोडल एक्सिस आता है एम एल स्क्का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है हम जानते हैं के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए आई आपको मालूम है इसके सेंट्रोडल एक्सिस के अब आई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के तो रेडियस ऑफ जायरेशन आपका आ जाएगा एल अपॉन अंडर रूट ट्वेल्व अब अगर आपको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो आप इसको इस एक्सिस एक्सिस पे शिफ्ट कर सकते हैं तो के का -के केवर्ट आ जाएगा क्योंकि आप थ्योरम पढ़ चुके हैं तो देखिए इस एक्सिस के वोट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो हमने फिर से फॉर्मूला यूज करा के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे एम एल स्क् इससे इस, इस रॉड का भी रेडियस ऑफ जायरेशन इस एक्सिस के अबाउट आपको पता चल जाएगा जो कि आपका आएगा के इज इक्वल टू एल रूट थ्री इसी तरीके से अगर आपको ये आपको रेक्टेंगुलर प्लेट दिया हुआ है जिसका आपको रेडियस ऑफ आप जायरेशन निकालना है अबाउट द सेंट्रोडल एक्सिस के के अबाउट अबाउट तो इस सेंट्रोडल एक्सिस इसका मास मोमेंट ऑफ नर्शे आता है बी डी स्क्वायर बाय ट्वेल्व आपको इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो हमने फॉर्मूला यूज करा इज इक्वल रूट आई वाई एम आई की वैल्यू आप यहाँ पे जानते हैं आई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू डी अपॉन रूट ट्वेल्व इसी तरीके से अगर आपको इसका आप रेडियस इस वाले सेंट्रोडल वाई वाई, वाई एक्सिस निकालना है फिर से आप फॉर्मूला यूज करेंगे के इज इक्वल टू अंडर रूट आई वाई एम आई की वैल्यू आप इतना पुट करेंगे कितना एम बी स्क्वायर बाय ट्वेल्व आपने आईक्यू वैल्यू यहां पे पुट कर दी तो के इसके लिए भी आपका निकल के आ गया अगला जो अपन फिगर ले रहे हैं हमने फिर से रेक्टेंगुलर प्लेट लिया है अब इसका रेडियस ऑफ जायरेशन हम इस वाले एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो इस वाले एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है आपने फॉर्मुला यूज करा के इज इक्वल टू तो अंडर रूट आई बाई एम आई वैल्यू आपने पुट कर दिया एम डी स्क्वायर बाय थ्री तो इसका भी के निकल के आ गया अगर एक्सिस आपको यहां पे दिया है तो इस एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम बी स्क्वायर बाय थ्री तो हम जानते हैं के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम आई के वैल्यू हमने पुट कर दिया एम बी स्क्वायर बाई थ्री तो इसका भी रेडियस ऑफ जाइरेशन आ गया टू बी डिवाइडेड बाई रूट थ्री नेक्स्ट फिगर यहां पे आपको एक सर्कुलर रिंग दिया है, हुआ है सर्कुलर रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के जानते square, और सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के भी जानते हैं ये डायमीटर वाला एक्सिस है इसके अवर्ड आता है एम आर स्क्वायर बाय टू अगर हमको इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है इस एक्सिस के अवर्ड तो हम फिर से अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे के इज इक्वल टू अंडर रूट आई एम I की जगह हम पुट कर देंगे एम आर स्क्वायर जो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस के के अबाउट जो कि इस प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा के इज इक्वल टू आर इसी तरीके से इसका भी रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा क्योंकि I की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज एम आर स्क्वाई टू यहां पे आपने पुट कर दिया तो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया के इज इक्वल टू आर डिडेड बाई रूट टू अगला जो हम फिगर ले रहे हैं ये भी आपका सर्कल सर्कल है। अब का है, तो आप पैरेलल एक्सिस इस वाले एक्सिस का वो निकाल लेंगे तो आपका कितना आएगा टू एम आर स्कर आएगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए के इज इक्वल टू अंडर रूट आई वाई एम वाला फॉर्मुला यूज कर आई की जगह टू एम आर हमने पुट कर दिया तो इस सर्कल का भी रेडियस निकल के आ गया इस एक्सिस के, अब हमको इस वाले के निकालना है, तो आपको इसके अब आप तो इस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा अगर आपको इसके अबॉर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो आप इसका रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकाल सकते हैं के इज इक्वल टू अंडर रुट आई एम से आई की वैल्यू कितना पुट करेंगे थ्री एम आर स्क्वायर बाय टू आपने यहां पे पुट कर दिया तो के इसका निकल के आ गया अगला जो हम फिगर ले रहे हैं ये आपका सर्कुलर प्लेट है या डिस्क है तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ नर्शिया जेड जेड एक्सिस के एम आर स्क्वायर बाय टू आता है और इस एक्सिस के अबाउट जो कि डायमी एक्सिस है इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाय फोर आता है इन दोनों का भी रेडियस ऑफ जायरेशन हम उसी तरीके से निकालेंगे K I M, I की जगह M 2 हमने पुट कर दिया तो इसका भी रेडियस इसी तरीके से इस फिगर का भी मोमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन हम निकाल लेंगे के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम आई की जगह हम अब पुट करेंगे एम आर स्कवायर बाय फोर तो इसका भी रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया के इज इक्वल टू आर बाय टू

अब आप इनका रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं अबाउट दिस एक्सिस ये वाले एक्सिस का और निकाल लेंगे तो कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर k 3r 2. इस तरीके से इस फिगर का भी रेडियस ऑफ जायरेशन निकल जाएगा आप आई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइव एम आर स्क्वाई फोर है यहां पे तो इसका भी रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया रूट फाइव आर बाय टू अगला जो हम फिगर ले रहे हैं ये आपका क्या है इट इज ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जानते हैं कितना आता है एम आर स्क्वायर बाय टू इसका भी हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे खाली आई के वैल्यू हम यहां पे चेंज कर देंगे तो के निकल के आ जाएगा के इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय रूट टू ये आपका यूनिफॉर्म हॉलो स्फेयर है और ये आपका यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है ये जो एक्सिस है इसके डायमीटर से पास होके जा रही हैं तो इन एक्सिस के अबाउट हॉलो स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है टू बाई थ्री एम आर स्क्वा है और जो आपका सॉलिड स्पेयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर इसका मैंने डेरिवेशन आपको नहीं कराया इसका खाली एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं किस तरीके से रेडियस ऑफ जायरेसर निकालने के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है ये हम Uh, इलेवेंथ में किए रहते हैं इसलिए इसको मैंने डेरिवेशन इसका नहीं किया अब इसका रेडियस ऑफ जायरिए निकालना है फॉर्मूला यूज करेंगे के इज इक्वल टू तो अंडर रोट आई वाई एम आई की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका भी रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा इसी तरीके से इसका भी रेडियस ऑफ जायरिएशन हम निकाल लेंगे के इज इक्वल टू अंडर रोट आई वाई एम आई की जगह वैल्यू पुट करेंगे टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर तो इसका वा� भी रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया हम इसमें एक्सिस चेंज कर सकते हैं अब देखिए मैंने एक्सिस यहां पे ले लिया है ये टेंजेंट है इसके इस के क्या है ये टेंजेंट टेंजेंट है होलो है का और ये वाले एक्सिस सॉलिड के टेंजेंट है तो इसके सेंट्रोडल एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम तो एक्सिस लगा के हम इसके अबाउट निकाल लेते हैं अब इस एक्सिस के अबाउट हम हम क्या करेंगे हमको रेडियस ऑफ से निकालना है सेम वही फॉर्मूला आई की जगह खाली वैल्यू पुट कर देंगे फाइव बाई थ्री एम आर स्क्वायर तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा इसी तरीके से इस फिगर का भी रेडियस ऑफ सर इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा आई की जगह हमने पुट करा सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर तो आपको बाद में बचेगा के इज इक्वल टू रूट सेवन आर अपॉन रूट फाइव तो इस तरीके से हम क्या करते हैं वेरियस फिल्टर का रेडियस ऑफ सर निकाल लेते हैं